Hello everyone, welcome and welcome back to my YouTube channel. I am Anjali Mishra from Patna, Bihar, currently preparing for NEET 2022. जैसा कि आप लोगों को किसी न किसी सोर्सेस से पता चल गया होगा कि नीट 2022 के डेट्स अनाउंस हो चुके हैं एंड दैट इज 17th ऑफ जुलाई. द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस विल स्टार्ट फ्रॉम 2nd ऑफ अप्रैल. सो बीइंग अ नीट एस्पिरेंट, मैं समझ सकती हूँ अभी आप लोगों के साथ क्या हो रहा होगा. जब मुझे भी नीट के डेट के बारे में पता चला 31st को, तो मैं भी बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई थी. एंड मुझे फिर लोगों ने समझाया कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, हम लोगों के पास बहुत टाइम है, एनफ टाइम है, 3 months आर एनफ, तो अपने प्रिपरेशन को एक बहुत अच्छा एज देने के लिए. तो फिर जाके मैं नॉर्मल हुई. एक बात तो है कि किसी की कितनी भी अच्छी प्रिपरेशन हो, चाहे वो उसका 50% प्रिपेयर्ड हो, 60% हो, 90% हो, 100% हो, या फिर उसने अभी तक शुरू भी नहीं किया हो, बट एग्जाम का डेट सुन के तो हर कोई पैनिक करता है एंड दैट इज अ फैक्ट. ये तो पहले से एक्सपेक्टेड था कि मार्च के लास्ट वीक तक नीट का डेट अनाउंस हो जाएगा. सो दैट इज इट, अनाउंस हो चुका है वो डेट. अभी आप लोग जिस फेज से सफर कर रहे हो, सेम उसी फेज से मैं भी सफर कर रही हूँ. मेरे भी बहुत सारे सिलेबस बचे हैं, बहुत सारा रिविजन करने का बचा है. जो पढ़ा था वो भी लग रहा है कि अब सब कुछ भूल चुकी हूँ, बट अभी ये जो 3 months है ना, इसमें हम गिव अप नहीं कर सकते हैं. यही हमारा 1 year का रिजल्ट देने वाला है और यही 3 months ये डिसाइड कर देगा कि हमने एक साल का जो हार्डवर्क किया था उसका कुछ रिजल्ट हमें मिलेगा या फिर वो एफर्ट्स पूरी तरह से वेस्ट चला जाएगा. सो दिस 3 months आर लाइक डायमंड्स फॉर ऑल द नीट एस्पिरेंट्स. इसीलिए इस 3 months को अभी नो मैटर कि हमारा प्रिपरेशन किस लेवल पे है, 0 level पे है या फिर 90% पे है, इस 3 months को हमें एकदम ब्रह्मास्त्र की तरह यूज करना है और अपने प्रिपरेशन को एक अलग एज पे लेके जाना है. अभी मेरे दिमाग में कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई भी प्लानिंग नहीं है, बस इतना ही मैंने सोच के रखा है कि अगर इन 3 months को मैंने यूटिलाइज कर लिया तो मैं सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता. एंड मैं आप लोगों से भी बस इतना ही कहना चाहूंगी कि इस 3 months को एक ब्लेसिंग की तरह यूटिलाइज करो, उसको वेस्ट मत होने दो, नहीं तो पूरा का पूरा साल वेस्ट हो जाएगा. दिस इज नॉट ओनली अबाउट द 3 months, दिस इज अबाउट द होल ड्रॉप ईयर जो हम लोग एक साल से प्रिपेयर कर रहे हैं और अपना एक सपना सजा के रखा है उसके लिए. और एडवाइस के तौर पर मैं बस एक चीज़ बोलना चाहूंगी, अभी फिजिक्स को बिल्कुल भी टालो मत. अभी सबसे पहले फिजिक्स को निपटाओ क्योंकि फिजिक्स रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेशेंस. और अभी जैसे जैसे 17th ऑफ जुलाई नजदीक आते जाएगा, हमारा पेशेंस लेवल लूज होते जाएगा और उस टाइम में इतना हाई कॉन्सेंट्रेशन और पेशेंस वाला सब्जेक्ट हम लोग लास्ट टाइम में नहीं कर सकते. इसीलिए अभी सबसे पहले फिजिक्स को निपटाओ. अभी बहुत लोग सोच रहे होंगे कि जो अभी हमारे पास टाइम है उसमें 1-1.5 महीने में पहले बायोलॉजी और केमिस्ट्री कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फिजिक्स करेंगे लास्ट में. यही गलती मैंने पिछले साल करी थी, ये गलती बिल्कुल भी मत करना. फिजिक्स को सबसे पहले निपटाने की कोशिश करो. बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री रिक्वायर्स अ लिटिल लो कॉन्सेंट्रेशन लेवल एज कम्पेयर टू फिजिक्स. सो फिजिक्स को अभी बिल्कुल भी इग्नोर मत करो. और जैसे जैसे 17th ऑफ जुलाई नजदीक आते जाएगा, वैसे वैसे हमारा कॉन्सेंट्रेशन लेवल, पेशेंस लेवल लूज होते जाएगा. और उस टाइम अगर हम देखेंगे ना कि हमारा इतना सिलेबस बचा, हमारा पूरा फिजिक्स बचा है, तो उस टाइम हम नहीं कर पाएंगे उस चीज को. पहले ही हम गिव अप कर देंगे कि नहीं हो पाएगा, फिजिक्स अब नहीं हो पाएगा. इसलिए अभी पहले फिजिक्स को कंप्लीट करो. एंड बायोलॉजी इज दैट सब्जेक्ट जिसको अगर हम लोग 30-40 days एकदम अच्छे से पढ़ते हैं, कोई 0 level पे भी है बायोलॉजी पे, तो उसको कंप्लीट किया जा सकता है. बट फिजिक्स वैसा नहीं है, उसमें बहुत छोटी छोटी कॉन्सेप्ट्स मायने रखती है, कैलकुलेशंस मायने रखता है, एक्यूरेसी बहुत मायने रखती है. इसलिए अभी वो टाइम है जिसमें हमें फिजिक्स कंप्लीट करना पड़ेगा और मैं भी वही करने वाली हूँ. सो दिस वॉज अ लिटिल बिट ऑफ एडवाइस फॉर ऑल ऑफ यू. एट लास्ट आई जस्ट वॉन्ट टू से कि जिस सिचुएशन से अभी आप गुजर रहे हो, डोंट थिंक सिर्फ आपके साथ ऐसा हो रहा है. हर कोई, चाहे वो किसी भी लेवल ऑफ प्रिपरेशन पे है, हर किसी के साथ वैसा ही है, हर कोई वैसा ही फील कर रहा है जैसा आप फील कर रहे हो. सो डोंट पैनिक, आफ्टर ऑल हम इसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, इसी डेट के लिए हमने इतना अपना साल सेक्रीफाइस किया, अपना ऑल ऑफ आवर जॉयज, हैप्पीनेस, एंजॉयमेंट्स. तो अब वही उसी चीज का टाइम नजदीक आ गया. अब हमें अपने एफर्ट्स को दुगना कर देना है, डबल कर देना है और ये 3 months डिसाइड करेंगे किसका सिलेक्शन होना है और किसका सिलेक्शन नहीं होना है. बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो लास्ट के 3 months में, स्टार्टिंग से कुछ नहीं किया होता है बट लास्ट के 3 months में आके अपना सिलेक्शन लेके चले जाते हैं. बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो स्टार्टिंग से एफर्ट डालते होते हैं लेकिन लास्ट के 3 months में वो इग्नोर कर देते हैं और उसके बाद उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, और जैसा मेरे साथ पिछले साल हुआ था. सो इस साल मेरी बस एक, अभी मेरे दिमाग में बस एक यही स्ट्रेटेजी है कि 17th of July के 2 बजे से पहले 1:59 तक मैं एफर्ट पुट करती रहूँगी एंड आप लोगों से भी यही होप करती हूँ. इसी के साथ आई विल रैप अप दिस वीडियो. अब पता नहीं ये वीडियो कब पोस्ट करूंगी, पर मैं इस वीडियो को शूट कर रही हूँ आज 1st of April के दिन, और पता नहीं मैं कब इस वीडियो को पोस्ट कर पाऊंगी बिकॉज अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है. तो जब भी पोस्ट करूँ तो आई होप कि मेरा मैसेज आप तक पहुँच जाएगा. सो दैट वॉज इट फॉर टुडे. टेक केयर, डोंट पैनिक, कीप हसलिंग, कीप सर्वाइविंग टिल लास्ट ब्रेथ. ऑल द बेस्ट, बाय बाय.